चिट प्लांट एक लकी प्लांट है, सभी अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। और इस पौधे की कटिंग क्या है, हम कभी भी जो है लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे रेनी सीजन में अगर हम लगाते हैं इस पौधे की कटिंग, तो बहुत आसानी से जो है इसकी कटिंग जो है डबल रफ्तार में आपको क्या है 3 से 4 दिनों के अंदर में जो है ये कटिंग लग जाती है। तो इस टाइम पे क्या है, इस पौधे की जो है कटिंग जो है बहुत सारे जो है पौधे कटिंग के थ्रू जो है लगाइए, और इसकी जो है प्रोपगेशन है लीफ के थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर हम इनकी हाफ इंच की कटिंग भी लेते हैं लगाते हैं, तो भी क्या है इसकी कटिंग जो है आराम से जो है पौधे में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ ही टाइम में। तो अगर हम टाइम टू टाइम ढेर सारी जो है कटिंग बनाते रहेंगे, तो फायदा क्या होगा कि जैसे जैसे कटिंग जो है टाइम लेगी, जैसे जैसे टाइम जाएगा, वैसे वैसे जो कटिंग है वो मैच्योर होती जाएगी, जिसकी वजह से जो इनके ब्रांचेस होंगे, मेन ब्रांचेस, वो काफी मोटे हो जाएंगे। तो फ्यूचर में हम क्या है इन कटिंग्स को क्या है बोनसाई के रूप में जो है डेवलप कर सकते हैं, बोनसाई में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, तरह तरह की जो है डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, टोपियारी बना सकते हैं। तो ये एक ऐसा पौधा है कि एक से जो है अगर एक पौधा कहीं से भी लेके आएंगे छोटी से छोटी कटिंग, तो एक से क्या है हजारों लाखों की संख्या में आप पौधे जो है बना सकते हैं। और इसे लगाने के लिए आप किसी भी तरह के गमले का चुनाव कर सकते हैं, चाहे उनमें ड्रेनेज होल नहीं हो या फिर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको क्या है थोड़ा सा पानी देते समय जो है ध्यान देना पड़ता है, जिस भी कंटेनर में लगा रहे हैं उनमें अगर ड्रेनेज होल नहीं है तो पानी जो है थोड़ा सा जो है चेक करके देते रहिएगा। और ये ऐसा पौधा जो है सेमी सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि आप देखेंगे इनकी जो लीव्स ऐसे जो है तोड़ के देखेंगे, क्रश करेंगे, तो इसके जो पत्तियां हैं, तनाए हैं, ऑलरेडी इनमें क्या है भरपूर मात्रा में जो है लिक्विड होते हैं, यानी कि ये देखिए चिपचिपा नुमा जो है, तो इनमें पहले से ही जो है पानी स्टोर रहता है, तो इसीलिए ज्यादा पानी की जो है इस पौधे को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर ज्यादा पानी दे देंगे तो पौधा क्या है नीचे से रूट रॉड हो जाएगा, और इनकी पत्तियां क्या फ्लफी होके बिल्कुल मोटी होके येल्लो होके जो है गिरनी शुरू हो जाएगी, और पौधा जो है खराब हो जाएगा। तो ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है पौधों को। अगर सनलाइट की बात करें तो इसे क्या है 5 से 6 घंटे की सनलाइट जो है लाइक करता है, 4 से 5 घंटे की सनलाइट में रखिए तभी ये अच्छे से ग्रो करता है। अगर हम बिल्कुल शेमी शेड में या बिल्कुल शेडी एरिया में रख देते हैं, तो क्या होता है कि इसके जो पत्तियां होती हैं बिल्कुल जो क्या है मुरझाई मुरझाई सी जो है बेरंगी सी हो जाती हैं, और जो स्टेम की ये नोड टू नोड डिस्टेंस होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे नोड है और यहाँ पे नोड, तो ये डिस्टेंस काफी जो है लंबा जो है चला जाता है, तो ये पौधा देखने में जो है बेढंगा सा यानी कि अजीब लगता है। तो इसीलिए क्या इस पौधे को धूप की रिक्वायरमेंट होती है और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इनको क्या है अगर सुबह की मॉर्निंग की 2 घंटे की भी सनलाइट अब में रख देते हैं पौधे, तो भी जो है चल जाता है, लेकिन आप इंडोर प्लेस करते हैं तो ये पौधा जो है खराब हो जाता है, क्योंकि इंडोर प्लांट नहीं है, ये आउटडोर प्लांट है। अगर आप इंडोर रखना चाहते हैं, जैसे आप टोपियारी बना रहे हैं आपके घर में, मान लीजिए कोई गेस्ट वगैरह आने वाले हैं या कोई भी ओकेजन है, तो आप एक दिन के लिए क्या है ये आप जो है डेकोर के रूप में इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपका जो भी है खत्म हो जाए तो तुरंत क्या है इस पौधे को जो है बाहर प्लेस कर दीजिए, यानी कि इंडोर मत रखे रहने दीजिए, नहीं तो पौधा जो है खराब हो जाएगा। तो बात करें इंडोर रखने की, तो एक दिन के लिए आप जो है इस पौधे को इंडोर रख सकते हैं। अगर इस पौधे की मिट्टी की बात करें, तो इसके बनाने के लिए जो है मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बेल्ट पोरस चाहिए, जिसमें सैंड की मात्रा हो ज्यादा होना चाहिए, ताकि इनमें जो है पानी जो है खड़ा ना हो, स्टोर ना हो, और इसमें जो है ड्रेन आउट जो है हो जाए देने के बाद पानी। और फर्टिलाइजर की बात करें, तो फर्टिलाइजर देखिए ये लीफी प्लांट है, तो इनकी पत्तियों को हरा भरा हेल्दी रखने के लिए नाइट्रोजन जो है ज्यादा मात्रा में देना पड़ेगा, तभी क्या है ये अच्छे से जो है ग्रो करेंगी और इनकी जो है पत्तियां अच्छे से मेंटेन रहेंगी। तो इसके लिए हमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर देना है। तो आप जब भी आप गमले की इस पौधे की गमले की मिट्टी रेडी करें, तो क्या है मिट्टी में ही अच्छे से जो है पॉटिंग मिक्स जो है सॉइल मीडिया बनाए, तो आप सैंड ले लें और नॉर्मल गार्डन सॉइल, और उसी में क्या है आप कंपोस्ट डाल दें और ऊपर से क्या है एप्सम सॉल्ट डाल दें, और एप्सम सॉल्ट या फिर चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, कॉफी पाउडर भी डाल सकते हैं जो पॉटिंग मिक्स है उसके बनाते समय। और इनमें बोन मिल का इस्तेमाल कर ले, बोन मिल नहीं करना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट का भी जो इस्तेमाल करते हैं कर सकते हैं कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए, या फिर स्टोन डस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिट्टी बनाइए, उसके बाद इस पौधे को लगाइए, पौधा काफी अच्छा चलेगा। और लगाने के बाद आपको क्या है लगाने के बाद 2 महीने के बाद इनको फर्टिलाइजर देना शुरू कीजिए। तो आप क्या है लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं, तो चाय पत्ती का जो लिक्विड टी जो है
बना के दे सकते हैं, कंपोस्ट भी दे इस पौधे को जो है आप दे सकते हैं, कॉफी पाउडर का भी लिक्विड जो है आप बना के इंस्टेंट जो है इस पौधे को जो है पिला सकते हैं। तो ये सारी फर्टिलाइजर देना है और इसे क्या है कम से कम 2.5 महीने के गैप पे सॉलिड में जो है आप चाय पत्ती ले लीजिए या फिर कॉफी लीजिए, मिट्टी को गुड़ाई कर लीजिए अच्छी तरीके से और मिट्टी में जो है आप दे दीजिए। डायरेक्ट चाय पत्ती आप जो है इस्तेमाल किया हुआ या फिर फ्रेश भी जो है आप इस पौधे को जो है फीड कर सकते हैं। इससे क्या है पौधे को अच्छी भरपूर मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन मिल जाएगा, जिससे क्या है पौधा अच्छे से जो है हेल्दी ग्रो करेगा। और हर एक क्या है 2 महीने के गैप पे आप इनको जो है कैल्शियम युक्त फर्टिलाइजर दीजिए, चाहे तो लिक्विड फॉर्म में भी आप दे सकते हैं या फिर सॉलिड में भी दे सकते हैं। तो कुछ भी नहीं मिलता है तो सिंपल क्या है आप चौक लेके आइए, स्टेशनरी शॉप से जो है आपको आसानी से चौक मिल जाएगा, व्हाइट कलर के जो चौक होते हैं वो आप इनको फीड कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे फीड किया है, बस चौक के जो स्टिक होते हैं मिट्टी में दबा देना है और ये क्या है स्लो रिलीज करता रहेगा और धीरे धीरे क्या है पौधों को मिलता रहेगा। तो इस तरीके से भी कैल्शियम की कमी को जो है पौधों में जो है पूरा किया जा सकता है। तो कटिंग के थ्रू क्या है मैंने बहुत सारे जो है पौधे प्रोपगेट किए हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए टोपियारी की जो भी मैंने कटाई छटाई की थी, जितने भी कटिंग बची थी मैंने तो बाकी लगा दिया, वो नीचे जो है बालकनी में पड़े हुए हैं। और बाकी जो बचे थे मैंने, देखिए ये चंपा का जो है ग्रो बैग है, इसमें चंपा का जो है मेन पौधा लगा हुआ है और इसी जो है ग्रो बैग में मैंने सारी की सारी कटिंग जो है लगा दी है। तो आप कहीं पे भी जो है आप कटिंग लगा सकते हैं, छोटी से छोटी कटिंग लगाएंगे तो अच्छे से जो है ग्रोथ करेगी और जैसे जैसे टाइम मिलेगा मौका मिलेगा वैसे वैसे निकाल के इसी कटिंग में से क्या है हम ढेरों जो है पौधे जो है तैयार कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो अभी इनकी जो जड़ें आई नहीं होंगी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लगाए हुए, ये भी देखते हैं आई हूँ कि नहीं, निकाल के मैं दिखाती हूँ। देखिए ये टूट गया, ये देखिए जड़ें तो इनकी जो है आ गई हैं, ये देखिए। तो इसको लगा देते हैं वापस फिर से। तो अगर आप एक दो कटिंग लगा रहे हैं तो आप ऐसा मत कीजिएगा, निकाल के चेक मत कीजिएगा बार बार। तो इस तरीके से देखिए कटिंग लगाएंगे तो बहुत सारी कटिंग बन के रेडी हो जाएगी और बहुत सारे जो है पौधे जो है बना सकते हैं। अगर बात करें इस पौधे में इंसेक्ट फंगस वगैरह तो वगैरह क्या लगते हैं कि नहीं, तो इसमें क्या है मिली बग का थोड़ा अटैक हो जाता है, ब्लैक फ्लाइज का भी जो है अटैक हो जाता है। तो उसके लिए हम नीम ऑयल का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम ऑयल से जो है छिड़काव कीजिए और रेनी सीजन में खास करके जो है ये छिड़काव करना है। और जो भी आप डिज़ाइन वगैरह बनाए हैं, जो भी आपने टोपियारी बनाए हैं उनको क्या है टाइम टू टाइम इनको प्रूनिंग यानी कि छटाई जो है करते रहिएगा, तभी क्या है इनके शेप जो है मेंटेन हो जो है रहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने हार्ट शेप बनाया हुआ है और ये देखिए इनकी ग्रोथ जो है ओवर हो गई है, यानी कि अब ये टाइम आ गया कि हम इनको जो है थोड़ी सी जो है प्रून कर दें, तभी ये शेप देखिए नहीं तो खराब हो जाएगा शेप। देखिए प्रून करने लायक जो हो गया है। तो बस दोस्तों जेट प्लांट की कटिंग जो है बहुत सारी कटिंग लगाइए और ढेरों पौधे बनाइए और अपने गार्डन में क्या है चारों तरफ ऑक्सीजन फैलाइए, ब्यूटी फैलाइए। जो भी कंटेनर है छोटे से छोटे सभी में जो है कटिंग चल जाएगी, तो फटाफट आप इनकी जो है कटिंग लगा लीजिए इस टाइम पे।